नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube के चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको ऐसा ट्यूटोरियल बताने वाला हूं जिसके बारे में ना तो आपने देखा होगा ना ही आपने कभी सुना होगा, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है उन लोगों के लिए जो अनलिमिटेड थीम या वॉलपेपर को डाउनलोड करना चाहते हैं और अपने एप्लीकेशन को हाइड करना चाहते हैं, किसी एप्लीकेशन के ऊपर लॉक लगाना चाहते हैं और भी बहुत कुछ। आज की वीडियो में एक एप्लीकेशन की मदद से मैं सब कुछ आपको करके दिखाऊंगा। बहुत सारे लोगों के मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि भाई कोई ऐसा एप्लीकेशन बताइए जिसमें थीम भी हो और उसमें हम एप्लीकेशन को भी हाइड कर दें और एप्लीकेशन को लॉक लगा दें, वॉलपेपर को हम डाउनलोड एक ही एप्लीकेशन में सारा ट्यूटोरियल होना चाहिए। तो मैंने उस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पर ढूंढ निकाला है और आप सभी के लिए मैं लेकर आ चुका हूं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना और ऑल पर जरूर सिलेक्ट कर लेना ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट दिस वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड कर लेना है और ये एप्लीकेशन दोस्तों हमारा डाउनलोड हो चुका है। आपको करना क्या है, इस एप्लीकेशन को सिंपली ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको एक टर्म कंडीशन आपको नज़र आ जाएगी, इसको आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका एप्लीकेशन यहाँ पर शुरू हो चुका है, ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, आपके जो होम स्क्रीन है कुछ इस तरीके से यहाँ पर नज़र आएगी। ये देख लीजिए कितना कूल आपका फ़ोन यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। आपके जितने एप्लीकेशन हैं वो सारे यहाँ पर कुछ इस तरीके से नज़र आएंगे। यहाँ पर आप किसी एप्लीकेशन को अगर सर्च करना चाहते हैं, मान लीजिए मैं काइन मास्टर को सर्च करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पर लिख दिया काइन मास्टर, थोड़ा ही लिखा था ये एप्लीकेशन यहाँ पर आ चुका। और अगर आप यहाँ से इस थीम से बोर हो चुके हैं या ये थीम आपको समझ में नहीं आ रही है तो उसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर एक सेटिंग आपको नज़र आ रही है जो हिलडुल रही है, इस सेटिंग के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आपको फर्स्ट में एक ऑप्शन मिल जाएगा थीम का। इस थीम के ऑप्शन पर आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप लोगों के सामने बहुत सारी थीम आ जाएंगी। जिस थीम को आपको डाउनलोड करना है उस थीम को डाउनलोड करके आप अपनी होम स्क्रीन पर लगा सकते हैं। जैसे मैं मान लीजिए एक थीम को आपको यहाँ पर लगा के दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो एक सिंपल सी थीम है दोस्तों, इस थीम को मैं यहाँ पर डाउनलोड कर लेता हूँ। जैसे इस थीम पर मैं क्लिक करूँगा यहाँ पर अनलॉक का ऑप्शन आ जाएगा। तो ये फ्री वर्जन का ऐप है, यहाँ पर आपको ऐड वगैरह देखने पड़ सकते हैं। तो यहाँ पर अनलॉक के ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक वीडियो देखनी है, छोटा सा ऐड देखना है तभी जाकर ये लॉक खुलेगा। पर वॉच ऐड के ऊपर क्लिक कर लेना है, एक छोटा सा ऐड यहाँ पर आएगा तभी जाकर इसका लॉक खुलेगा। लॉक खुलने के बाद आप अपनी थीम को अपने होम स्क्रीन पर ऐड कर पाओगे। बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है। ये ऐड दोस्तों हमारे यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर क्रॉस के निशान पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक अप्लाई का ऑप्शन मिल जाएगा, इस अप्लाई के ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर एक ओके का ऑप्शन आ जाएगा, ओके पर क्लिक करके आपकी थीम यहाँ से चेंज हो जाएगी। ये देख लीजिए आपकी थीम यहाँ से बिल्कुल चेंज हो चुकी है। तो यहाँ पर आपकी कोई भी पहले जैसी थीम नहीं रही, यहाँ पर आपकी थीम चेंज हो चुकी है। अगर मान लीजिए आपको ये थीम भी पसंद नहीं आई तो यहाँ पर आपको ये सेटिंग जो हिलती डुलती यहाँ पर नज़र आ रही है इस पर आपको दोबारा क्लिक करना है और थीम पर चले जाना है। और यहाँ पर आपको बहुत सारी थीम मिल जाएंगी, जिस थीम को आपको लगाना है उस थीम पर क्लिक करके उसको आप अनलॉक कर सकते हैं और वो थीम आप अपनी होम स्क्रीन पर ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए आपने अपनी थीम डाउनलोड कर ली है और आप दोबारा से वही थीम लाना चाहते हैं तो यहाँ पर माई थीम का ऑप्शन मिल जाएगा। जो जो थीम आपने डाउनलोड कर रखी है वो सारी थीम यहाँ पर आ जाएंगी, पहली जो आपने डाउनलोड की हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वॉलपेपर की। सेकंड नंबर पर आपको एक वॉलपेपर का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर क्लिक करके आप अनलिमिटेड वॉलपेपर यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी होम स्क्रीन के ऊपर उसको लगा सकते हैं। ये देख लीजिए बहुत सारे यहाँ पर आपको वॉलपेपर मिल जाएंगे। तो जिस वॉलपेपर को आपको डाउनलोड करना है उस वॉलपेपर के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन मिल जाएगा, अप्लाई पर क्लिक करके आपको ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करने के बाद ये आपका वॉलपेपर यहाँ पर ऐड हो चुका है आपकी होम स्क्रीन के ऊपर।
और यहाँ पर अगर आप चेंज करना चाहो तो वही काम करना है आपको, यहाँ पर सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर दूसरे वॉलपेपर को अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर उसको ऐड कर सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम अपनी गैलरी से ही क्यों ना अपने वॉलपेपर को या थीम को यहाँ पर ऐड कर दे। तो यहाँ पर थर्ड नंबर पर ऑप्शन मिल जाएगा सिलेक्ट फ्रॉम गैलरी, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप अपने मोबाइल फ़ोन की गैलरी में चले जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद जो थीम या जो वॉलपेपर आपको लगाना है उस वॉलपेपर के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है और उसको अपनी होम स्क्रीन पर लगा देना है। मान लीजिए मैं अपने फ़ोटो को यहाँ पर लगाना चाहता हूँ तो आपको इसको क्रॉप कर लेना है, जितना आप लेना चाहें उतना आप इसको ले सकते हैं, आपको अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करना है ताकि आपकी स्क्रीन के ऊपर ये फिट बैठ जाए। मान लीजिए मैंने यहाँ पर इसको स्क्रॉल कर लिया है और यहाँ पर क्रॉप के ऊपर मैं जैसे क्लिक करूँगा और यहाँ पर आपका जो फ़ोटो है, जो वॉलपेपर है, वो आपकी होम स्क्रीन के ऊपर लग जाएगा। और उसके बाद आता है दोस्तों आइकन पैक। आइकन पैक के ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको इस तरह का आइकन पैक नज़र आ जाएगा, आपके जो फ़ोन का जो आइकन है वो इस तरह से नज़र आएगा। और अगर आप इस एप्लीकेशन पर क्लिक करके डिफ़ॉल्ट पर क्लिक करोगे तो इस एप्लीकेशन में जो जो सिस्टम है वो उसी तरह से आपके मोबाइल फ़ोन में ऐड हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, मेरे यहाँ पर मैंने जो मेरे फ़ोन की सेटिंग है, जो मेरे फ़ोन का थीम है, वो कुछ इस तरह से नज़र आता है, लेकिन मैं इस एप्लीकेशन पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर कुछ चेंजिंग हो जाता है, तो मैं इसको ही रहने देता हूँ, बहुत ही कूल लग रहा है। अब बात आती है दोस्तों फ़ॉन्ट की, फ़ॉन्ट का भी यहाँ पर बहुत आपको फ़ॉन्ट मिल जाएंगे। जिस फ़ॉन्ट को आपको डाउनलोड करना है वही काम करना है, उस फ़ॉन्ट के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, देख लीजिए ऊपर आपको नज़र आ रहा है कि हमारा फ़ॉन्ट यहाँ पर कैसा नज़र आ रहा है, ये देख लीजिए। आप यहाँ पर फ़ॉन्ट को भी चेंज कर सकते हैं और ये देख लीजिए दोस्तों मेरा फ़ॉन्ट यहाँ पर चेंज हो चुका है, तो मैं पहले वाला फ़ॉन्ट ही रख लेता हूँ, मुझे ये अच्छा नहीं लगा, तो मैं बैक चला जाता हूँ और बैक जाने के बाद मेरा फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज हो चुका है। उसके बाद आता है फ़ॉन्ट साइज़ का, फ़ॉन्ट साइज़ के ऊपर क्लिक करके आप इसके फ़ॉन्ट के साइज़ को कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, आप मीडियम रखना चाहें मीडियम रख सकते हैं, लार्ज करना चाहें बड़ा साइज़ रखना चाहें बड़ा कर सकते हैं, अगर छोटा साइज़ रखना चाहें तो आप इसके साइज़ को छोटा रख सकते हैं, तो मैं इसके साइज़ को बड़ा कर देता हूँ। और यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाता है दोस्तों यहाँ पर डार्क मोड का, आप डार्क मोड के ऑप्शन पर क्लिक करके इस एप्लीकेशन को फुल डार्क मोड में लगा सकते हैं। देख लीजिए दोस्तों ये मेरा एप्लीकेशन जो है ये फुल डार्क मोड में लग चुका है, और इस तरीके से आप अपने मोबाइल फ़ोन को डार्क मोड में भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। अब मेन बात आती है दोस्तों एप्लीकेशन को हाइड करने की। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि हम अब उस एप्लीकेशन को हाइड नहीं कर पा रहे, उस एप्लीकेशन को हाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो सारी एप्लीकेशन को आप यहाँ से हाइड कर पाओगे। आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा हाइडन ऐप्स का, इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे ऊपर आपको प्लस का आइकन नज़र आ जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। जिस एप्लीकेशन को आप हाइड करना चाहते हैं उस एप्लीकेशन पर आपको क्लिक कर लेना है, जैसे यहाँ पर कॉलम आपको नज़र आ रहा है इस कॉलम के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है, और आपको यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा कि आप डन करें अब वगैरह वगैरह, कुछ भी यहाँ पर नहीं है, आपको सिंपली बैक चले जाना है और ये एप्लीकेशन आपका हाइड हो चुका है। यहाँ पर ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा हाइडन ऐप्स, ये एप्लीकेशन आपका हाइड हो चुका है। अब मैं आपको अपनी होम स्क्रीन पर लेकर चला जाता हूँ और वहाँ पर दिखाता हूँ कि मेरा एप्लीकेशन हाइड हुआ है या नहीं हुआ है। तो देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए मेरा यहाँ पर एप्लीकेशन नज़र नहीं आ रहा है, जो मेरा WhatsApp है वो एप्लीकेशन मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है, ना ही शो हो रहा है। देख लीजिए आप लोगों के सामने लाइव प्रूफ है, यहाँ से आप एप्लीकेशन को भी हाइड करना चाहें तो आप एप्लीकेशन को भी हाइड कर सकते हैं। तो अब बात आती है दोस्तों आप किसी भी एप्लीकेशन पर अगर लॉक लगाना चाहते हैं तो लॉक का ऑप्शन भी यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर आप अपने हिसाब से कोई भी पिन भर लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पर पिन भर लिया। यहाँ पर आपको एक अपना लकी नंबर भर देना है जो भी आपको अच्छा लगे, ये सिक्योरिटी के लिए है। मान लीजिए आप अपना पासवर्ड को भूल जाते हैं तो यहाँ पर आप उस एप्लीकेशन का लॉक खोल सकते हैं, मैंने यही लॉक अपने यहाँ पर डाल दिया है अपने लकी नंबर पर। अब मैं एक एप्लीकेशन को आपको लॉक लगाकर दिखा देता हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पर यूट्यूब को लॉक लगाना चाहता हूँ तो मैंने यूट्यूब को लॉक लगा दिया है, और यहाँ से मैं बैक चला जाता हूँ। अब मैं अपने यूट्यूब को खोलकर देख लेता हूँ कि मेरे मोबाइल फ़ोन में लॉक लगा है या नहीं लगा है। तो
तो ये देख लीजिए दोस्तों, जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ YouTube के ऊपर, तो मेरा लॉक यहाँ पर आ जाता है। ये देख लीजिए, मुझे यहाँ पर लॉक भरना पड़ेगा तभी जाकर मेरा YouTube खुलेगा। तो इस एप्लीकेशन में बहुत सारी ट्रिक है दोस्तों, तो आप इन सभी को आजमा सकते हैं और अपने मोबाइल फ़ोन में लगा सकते हैं। एप्लीकेशन को हाइड करना, ऐप को लॉक लगाना, अनलिमिटेड थीम को डाउनलोड करना और वॉलपेपर को डाउनलोड करना, ये सब कुछ आप एक एप्लीकेशन में कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो से रिकॉर्डिंग अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करें, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व ज़रूर करूँगा। तो मैं मिलता हूँ आपको फिर किसी नई वीडियो, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।